टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन दैट इज गिव एंड टेक। एंड रिगार्डिंग दिस लेसन आई ऑलरेडी सेंट यू वन वीडियो एंड सम ऑफ यू सेंट मी योर होमवर्क ऑल्सो, सो लेट्स डिस्कस। किन्नरी सेल्स बीड्स बाजार। ओके, ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे आपको इनके कहते हैं बीड्स, इनका नेकलेस बनता है। शी सेल्स लूज बीड्स एंड नेकलेसेस ऑफ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, मेरी आवाज तो आ रही है सबको बराबर। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर हो सकता है, लेकिन आवाज तो बराबर आ रही है आपको। थोड़ा सा जोर से बोलो सर। बहुत स्लो आ रही है, एकदम बहुत ध्यान देके पढ़ रहा है। ओके वेट, लेकिन आवाज तो यहाँ से पूरी फुल है। चलो ठीक है, देखते हैं और फिर से। ओके सर, माइक बंद कीजिए अपना, तब जाके मेरी आवाज ठीक से आएगी। ओके, नाउ आई थिंक ऑल कैन हियर मी प्रॉपरली। ओके, इफ यू कैन हियर मी देन जस्ट टाइप वाई। अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो वाई टाइप कोई भी एक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये जो लेडी है इसका नाम किन्नर। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। बेटा आप हेडफोन यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ और आवाज शायद हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत कम आवाज आ सकती है। ठीक है, अगर आपको बहुत कम आवाज आ रही है तो यूज ईयरफोन्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो किन्नरी सेल्स बीड्स। ओके, बीड्स जो होते हैं आप देख सकते हैं कि जिसका नेकलेस बनाया जाता है उन्हें कहा जाता है बीड्स। सो शी सेल्स लूज बीड्स। लूज मतलब वो एक एक, दो दो, तीन तीन ऐसे भी वो देती है। एंड शी सेल्स नेकलेसेस ऑफ 10 बीड्स ईच। या तो फिर वो क्या करती है, 10 बीड्स एक नेकलेस में डालती है, उसका एक नेकलेस बनाती है, 10 बीड्स का एक नेकलेस बनाती है और उस नेकलेस को भी वो बेचती है। आपको नेकलेस खरीदना है तो आप सीधा नेकलेस भी उससे खरीद सकते हैं, या तो फिर अगर आपको लूज बीड्स चाहिए, दो तीन चार पाँच अगर आपको बीड्स खरीदने तो वो भी आप उससे खरीद सकते हैं। सो रजिया वॉन्ट्स 12 बीड्स। रजिया को कितने बीड्स चाहिए थे, 12। सो किन्नेरी गिव्स हर 1 नेकलेस। तो किन्नेरी ने क्या किया, 1 नेकलेस दिया एंड 2 लूज बीड्स और 2 लूज बीड्स उसने दिए, क्योंकि एक नेकलेस में कितने थे, 10 बीड्स आर देयर इन 1 नेकलेस एंड 2 लूज, मतलब 10 प्लस 2 12 बीड्स। ओके सो नाउ नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रेन टेक। नाउ रीमा टेक 17 बीड्स। ओके सो नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी नेकलेसेस एंड हाउ मेनी लूज बीड्स किन्नरी गिव हर। पहले बताओ नेकलेस, One necklace, sir. One necklace. Here you can draw. Okay. One necklace, sir. One bead. Here you will draw necklace with 10 beads. ठीक है, आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना नेकलेस, ऐसा आपको 10 beads का एक नेकलेस एंड 7 beads, so lose 7 beads we are going to draw. Okay, this is the same thing with tens and ones.
हमने जब पढ़ा टेंस एंड वंस, किया है। यहाँ पर सेम थिंग है, टेंस एंड वंस जो हमने पढ़ा था सेम थिंग यहाँ पर है। जैसे रीमा परचेस 17 बिट्स, 17 में कितने टेंस हैं? 110। सो वी विल राइट हियर वन नेकलेस, और इफ यू डोंट वॉन्ट टू राइट देन यू कैन जस्ट राइट हियर नंबर वन नेकलेस एंड लूज 7 बिट्स। ओके, सो जस्ट लाइक इन 24 हाउ मेनी नेकलेस विल बी देयर? इट विल बी बेटर इफ यू कमेंट योर आंसर इन चैट बॉक्स। ओके, आप माइक ऑन करके आंसर देने के बजाय आप कमेंट कीजिए आपका आंसर, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आपके आंसर्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो बाद में मुझे पता चलता है कि किन किन लोगों ने आंसर्स दिए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर नेकलेस ड्रॉ करने हैं। यू विल ड्रॉ नेकलेस हियर। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नेकलेसेस यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो हियर यू विल ड्रॉ 2 नेकलेसेस एंड हियर 4 लूज बिट्स। ओके, सो जस्ट लाइक सेम सोनू परचेस 35। ओके, सोनू परचेस 35 बिट्स। सो हियर वी 3 नेकलेस एंड 3 नेकलेस 3 necklace 5 week 3 necklace 5 week Now is he will complete? Okay. 3 necklace 5 week Okay. आप सभी लोग माइक अपना, अगर मैंने यहाँ से बंद किए तो सब 3 necklace 5 week ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, आप नेकलेस कर लेना अच्छे से। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू ऐड दिस बीड्स। ओके, 10 and 2 दैट मीन्स 12 एंड 10 and 7 दैट मीन्स 12 plus 17। एडिशन ऑफ टू नंबर्स ये हमने ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं। सो व्हेनेवर ऐड टू डिजिट नंबर्स, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ वंस। ठीक है, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारे राइट साइड से, जो कि होता है वंस प्लस। ठीक है, हमेशा हमें स्टार्टिंग सॉल्व जब हम करते हैं एडिशन, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। सो फर्स्ट वी विल ऐड 2 plus 7। फर्स्ट वी विल ऐड 2 plus 7, सो वी विल गेट द आंसर 9। देन वी विल ऐड 1 plus 1 2, सो वी गेट द आंसर 29। ओके, द सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर। ठीक है, ये हमें सबको पता है, इसलिए हम इसमें अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस टाइम। सो हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू? ठीक है, रजिया हैज़ टेकन 12 बीड्स एंड सोनू हैज टेकन 35 बिट्स। ओके, सो
12 प्लस 35। तो फर्स्ट सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते सॉल्व करना, लेकिन हमेशा हमें राइट साइड से करना, जहाँ पे वंस का प्लेस होता है। ठीक है, वंस प्लेस जो होता है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है हमेशा। सो 2 प्लस 5 विल बी 7, 1 प्लस 3 विल बी 4। सो 47 बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। ठीक है, ये मैं आपको बार बार क्यों कर रहा है वंस के प्लेस से स्टार्ट करना, क्योंकि जब कोई बिगर नंबर्स होते हैं इधर, तब हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमें हर बार वंस से ही स्टार्ट करना है, हमारे राइट साइड से लास्ट में जो नंबर्स हैं वंस प्लेस के, वहाँ से ही हमें स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93। ओके, सो बीट्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। रीमा हैज टेकन 17 बीट्स एंड आरिफ हैज टेकन 24 बीट्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 17 प्लस 24, 17 प्लस 24। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड वंस। अभी देखो, मैंने जो अभी आपको बताया था ना कि हमेशा हमें वंस से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर देखो, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं 1 प्लस 2 यहाँ पर लिख देंगे 3, 7 प्लस 4 11, ऐसा जल्दबाजी में लिखकर फिर ये आपका आंसर हो जाता है रॉन्ग। ओके, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। इसीलिए हमें हमेशा वंस से स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। सो 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, व्हाट विल बी द आंसर? 7 प्लस 4, जस्ट काउंट 7 एंड 4। सेवन प्लस फोर विल बी 11। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट वन हियर। ओके, 11 का जो वंस का जो वन है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो दूसरा जो वन है हम उसको करेंगे कैरी। ओके, वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट वन। ओके, नाउ लेट्स ऐड। फिर ऐड करते वक्त क्या करना, ये जो हमने कैरी किया है उसको भी इन दोनों में ऐड करना है। तो फर्स्ट दिस 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 4, सो वी विल गेट द आंसर 41। ओके, द सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर। सो रीमा हैज 17 बिट्स एंड आरिफ हैज 24 बिट्स। सो फर्स्ट दे काउंट लूज बिट्स एंड देयर आर 11 लूज बिट्स। हमने काउंट किया 7 प्लस 4, हमें मिले 11। तो 11 बीट्स में हम क्या कर सकते हैं, एक नेकलेस तैयार कर सकते हैं 10 का, बराबर। तो वो 10 का जो एक था वन था वो हमने कैरी कर दिया 10s के प्लेस। हियर यू कैन सी, 7 प्लस 4 11 आंसर आया, हमने वन यहाँ पर लिखा और 10s का जो वन था वो यहाँ पर कैरी कर दिया। देखो, माइक किसी के भी अनलॉक नहीं होंगे अभी, क्योंकि वो एक बार लॉक हो गए मतलब हो गए। ओके, सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4।
जब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा। ओके सो लेट्स हैव सम प्रैक्टिस। ओके सो लेट्स डू प्रैक्टिस विद दिस क्वेश्चन। रीमा हैज 17 बीड्स एंड सोनू हैज 35। ओके तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे वंस। ओके वी आर गोइंग टू ऐड वंस। वंस कौन कौन से इसमें 7 एंड 5। ये वंस की प्लेस में देखो यहाँ पर ये जो प्लेस है ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है। इन 17 देर आर 1 10 एंड 7 वंस। ठीक है तो हमेशा हमें वंस को पहले ऐड करना है। ठीक है तो 7 प्लस 5 वी गेट 12। ओके यहाँ पर अगर हम ऐसा 12 लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके बिकॉज दिस इज द प्लेस ऑफ वंस, क्योंकि ये जो जगह है ये वंस का घर है। सर कैरी करना है। हाँ यहाँ पर टेंस नहीं रह सकते तो क्या करते हैं, ये जो टेंस का जो वन है इसको यहाँ से हम निकाल कर इसको इसी के प्लेस पर हम जाने देते हैं जो कि है टेंस। ठीक है ये वन हम कैरी करते हैं टेंस में और बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमने कैरी किया है वन इसको भी हम इन टेंस में ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 3 सर 5। सो वी गेट द आंसर 52। सो वी विल राइट हियर 52 बिट। सो रीमा एंड सोनू हैव 52 बेड्स टुगेदर। उन दोनों के पास मिलाकर 52 बेड्स है। सर 6। देखो इसीलिए मैं माइक ऑन नहीं करता हूँ आप सबके, क्योंकि बीच बीच के सो सर सर 24 प्लस 12। नाउ दिस इज वेरी इजी सर 6 सर 6। 4 प्लस 2 विल बी 6। 2 प्लस 1 विल बी 3 सर 6। तो टोटल 36 बिट्स आर देयर। ओके सो हियर वी विल राइट 36। ओके सो दिस ऑल अबाउट एडिशन। ओके अगर हमें दोनों के पास कितने बिट्स है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे रीमा के पास 17 है, सोनू के पास 35 है, देन हाउ मेनी बिट्स डू दे हैव टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है दोनों का मिलाकर, तो दोनों के मिलाकर कितने बिट्स है इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ मोर बीट्स। जैसे अभी समझ लो अगर आरोही के पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक, देन सिद्धेश के पास 6 चॉकलेट्स हैं। ओके वन एग्जांपल फॉर यू, सिद्धेश के पास 6 चॉकलेट्स हैं और आरोही के पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो दोनों में से किसके पास ज्यादा चॉकलेट्स होंगे। वेरी गुड सौम्या। सो सिद्धेश के पास, सिद्धेश हैव ओनली 6 चॉकलेट्स एंड आरोही हैज 10 चॉकलेट्स। दैट मीन्स आरोही हैज मोर चॉकलेट्स देन सिद्धेश। ठीक है चलो अभी ये बताओ कि आरोही के पास सिद्धेश से कितने ज्यादा चॉकलेट्स हैं, कितने ज्यादा है आरोही के पास।
यस, फोर फोर चॉकलेट्स, ओके, फोर चॉकलेट जो है वो 10 से उसके पास ज़्यादा है। ओके, सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू कंप्लीट हियर। ओके, सोनू हैज 35 बिट्स एंड आरिफ हैज 24 बिट्स। ओके, सोनू के पास है 35, आरिफ के पास है 24। ओके, देखकर आपको पता चल जाएगा कि किसके पास ज़्यादा है। सो हु इज हैविंग मोर बिट्स, सोनू और आरिफ? हु इज हैविंग मोर बिट्स, सोनू और आरिफ? ऑब्वियसली सोनू, बिकॉज सोनू हैज 35। ओके, इजीली वी कैन गेट द आंसर, सोनू हैज मोर बिट्स, बट हाउ मच और हाउ मेनी मोर? ओके, सो फॉर दिस वी नीड टू सब्सट्रैक्ट, ओके, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 24 फ्रॉम 35, देन वी विल गेट द करेक्ट नंबर। ओके, देन वी विल गेट द करेक्ट नंबर कि सोनू के पास कितने ज़्यादा है आरिफ से। सो फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू माइनस दिस 4 फ्रॉम 5। सो 5 माइनस 4 1, एंड 3 माइनस 2 ऑल्सो 1। सो सोनू हैज 11 मोर बिट्स देन आरिफ। ओके, 11 बिट्स सोनू के पास ज्यादा है आरिफ से। ओके, सो जस्ट लाइक दैट इन नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिफ हैज 24 बिट्स एंड रजिया हैड 12 बिट्स। ओके, सो आरिफ हैज डैश मोर बिट्स देन रजिया। चलो बता, आंसर बताओ इसका। इफ यू माइनस 12 फ्रॉम 24, यस, वेरी गुड। सो 4 माइनस 2, देयर विल बी 2, एंड 2 माइनस 1, 1। सो दैट मीन्स आरिफ हैज 12 मोर बिट्स देन रजिया। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू ऐड टू डिजिट नंबर्स एंड हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू डिजिट नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन इज हियर। सीमर हैज 31 बिट्स एंड रीमा हैज 17 बिट्स। ओके, अभी यहाँ पर क्या करना है? 31 माइनस 17, 1 में से 7 माइनस होते हैं, कैन वी माइनस 7 फ्रॉम 1? यस और नो? कैन वी माइनस 7 फ्रॉम 1? नो, वी कैनॉट माइनस 7 फ्रॉम 1। ओके, अभी यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक कुछ लोग करते हैं, ठीक है, पहले हम मिस्टेक्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग करते हो इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 1 में से 7 माइनस नहीं हो रहे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये 7 में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि ये जो 7 है इसमें से तो 1 माइनस हो जाएंगे, तो वो लिख देते यहाँ पर 6, जो 3 माइनस 1 2। लेकिन ये आपका आंसर हो जाता है रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमेशा हमें जो ऊपर जो नंबर दिया जाता है उसी से हमें माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो वंस हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 है, ये 1 में से 7 तो माइनस नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, ये जो 3 टेंस है, इन 3 टेंस में से
एक पेन हम इनसे बोरो करेंगे, मतलब उनसे उधार लेंगे, ठीक है, हम उनसे बोरो करेंगे, हम उनसे उधार लेंगे। तो ये 3 में से 1 10 यहाँ पर हमने दे दिए, तो ये 10 और ये 1, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। तो ये जो 1 है ये बन जाएगा अभी 11, क्योंकि उसके पास कौन आ गया है, अभी 1 10 आ चुका है। तो 1 10 आने के बाद वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। एंड ये जो 3 था, अभी 3 में से 1 10 तो उसने दे दिया वंस को, तो अभी इसके पास कितने टेंस बचेंगे फिर, हाउ मेनी टेंस विल रिमेन देयर नाउ। 3 में से 1 10 हमने दे दिया है वंस को, 3 में से 1 10 हमने वंस को दे दिया, तो कितने बचेंगे, तो देयर विल बी रिमेन 2। तो वो बच जाएंगे 2। अभी नाउ वी कैन इजीली डू दिस, 11 में से 7 माइनस हो जाएंगे, 11 में से 7 माइनस इजीली हम कर सकते हैं। सो 11 माइनस 7 अनिकेत कासार, बेटा आपने ये क्या कर दिया है था? आपको स्क्रीन पर ना दूसरे किसी भी ऑप्शन को हाथ लगाना नहीं है, ओके। सो वी कैन इजीली -7 फ्रॉम 11, सो 11 माइनस 7 व्हाट विल बी द आंसर। 11 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं सो व्हाट वी विल गेट, इलेवन माइनस सेवन वी विल गेट द आंसर 4, ओके। सो दैट 4 वी विल राइट हियर। एंड नाउ हियर वी हैव ओनली 2, ओके, 2 बचे, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, सो वी गेट द आंसर 14, ओके। सबको समझ में आया, अभी ये बोरो करके कैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर, यहाँ पर आपको सेम थिंग बताई है। देखो जैसे हमने 3 में से 1 10 हमने इधर लिया, तो ये बन गया 11 और ये बन गया 2। देन 11 में से 7 माइनस किए, यहाँ पर आ गए 4, 2 में से 1 माइनस करने पर आ गए 1, ओके। सो लाइक दिस यू कैन इजीली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके। सो योर टुडेज होमवर्क इज पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पर ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको आज कंप्लीट करना है।